अथर्ववेद के चौथे कांड का 15वां सूक्त प्रारंभ होता है। ऋषि अथर्वा देवता दिशः छंद विराट जगति मंत्र संख्या 1 ओम समुत पतंतु प्रदिशो नभस्वती ही संब्राणे वात ज्योतानि यन्तो महर्षभस्य नदतो नभस्वतो वाश्र आपह पृथ्वीम तर्पयन्तु। दिशाएं बादलों से घिर जाएं, वायु प्रेरित बादल आकाश को आवृत कर लें, इन गरजते हुए मेघों के जल भूमि को तृप्त करके इसे औषधि प्रदान करने में समर्थ बनाएं। मंत्र संख्या 2 समीक्ष्यन्तु तविशः सुदानवो अपामरस औषधिभिः सचन्ताम वर्षस्य सर्ग महयन्तु भूमिं पृथग्यज यन्त औषधयो विश्वरूपः। प्रभूत वृष्टि होकर पृथ्वी में उस बोए हुए बीज को जल से संयुक्त करे, यह वर्षा पृथ्वी के तृप्त होने पर औषधियों को उत्पन्न करे। मंत्र संख्या 3 समीक्षयस्व गायतो नभा स्यपाम वेगासः पृथगुद्वी जन्ताम वर्षस्य सर्ग महयन्तु भूमिं पृथग जायन्ताम विरुधो विश्वरूपः। हम स्तुति करने वालों को वो परम ब्रह्म परमेश्वर ठीक वर्षा प्राप्त करा के विविध लताओं को प्राप्त कराने वाला होवे। मंत्र संख्या 4 गणास्तवोप गायन्तु मारुतः पर्जन्य घोषिषण पृथक सर्ग वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथ्वी मनो। हम मेघ गर्जना में वायु की ध्वनियों में प्रभु की महिमा का गायन सुने। वर्षा के जल की धाराएं पृथ्वी को अनुकूलता से सींचने वाली हों। मंत्र संख्या 5 उदीरियत मरुतः समुद्र तस्त्वेशो अर्को नव उत्पाय याथ महर्षभस्य नदतो नभस्वतो वाश्र आपह पृथ्वीं तर्पयन्तु। सूर्य का प्रचंड ताप तथा वायु मिलकर आकाश में मेघों को प्राप्त कराएं, पृथ्वी का समुद्र आकाश का समुद्र बन जाए, तब वर्षा होकर पृथ्वी नाना औषधियों को जन्म देने वाली हो। मंत्र संख्या 6 अभिक्रंद स्तनयार्द योदधिम भूमिं पर्जन्य पयसा समंग अग्धि त्वया सष्टम बहुलमयितु वर्षमाशारयसि कृषगु रेत्वस्तम। मूसलाधार वर्षा होकर भूमि तृण संकुल हो जाए, गौ आदि पशु पर्याप्त चारे को प्राप्त करके कमजोर ना रहें, मनुष्य भूखे प्यासे ना रह जाएं। मंत्र संख्या 7 संवोवन्तु सदानव उत्सा अजगरा उत मरुद्भिः प्रच्युता मेघावर्षन्तु पृथ्वी मनु। हम अग्निहोत्र में सम्यक आहुति देने वाले हों, दान करने वाले बने, तब मेघों से वर्षा होकर स्थूल जल प्रवाह हमारा कल्याण करने वाले होंगे। मंत्र संख्या 8 आशामाशाम वि द्योततां वातावान्तु दिशो दिशः मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः समयन्तु पृथ्वी मनो। हमारे यज्ञों के द्वारा उठे हुए बादल विद्युत की दीप्ति से चमके और वर्षा करने वाले हों, सर्वत्र सुंदर वायु बहे। मंत्र संख्या 9 आपो विद्युत ब्रह्म
वर्षंसम वो अवंतु सुदानव उत्स अजगरा उत मरुद्भिः प्रच्युत मेघ प्रावंतु पृथ्वीमनु। अग्निहोत्र में उत्तम आहुतियां देने वाले पुरुषों के लिए वायु मेघ आदि को लेकर के आए और वर्षा करे। यह वर्षा संपूर्ण संसार का रक्षण करे। मंत्र संख्या 10। अपामग्नि स्तनोभिः संविदानोय औषधीनाम दीपा बभूव सनवर्षम वनुताम जात वेदाः प्राणम प्रजाभ्यो अमृतम दिवस्परि। विद्युत मेघ जलों से संचारित होता हुआ उन मेघ जलों को अमृत बना देता है। बादलों का ये पानी प्रजाओं के लिए प्राणों की वृद्धि करने वाला होता है। मंत्र संख्या 11। प्रजापति सलिलादा समुद्रादाप क्रियन्नो दधिम दर्याते प्रप्या यताम वृष्णो अश्वस्य रेतो वारंगतेन इस्तन यतनुनेहि। सूर्य समुद्र से जलों को आकाश में प्रेरित करे, मेघ की शक्ति बढ़े और गर्जना के साथ वृष्टि होकर यहाँ पृथ्वी पर वर्षा का जल हमें प्राप्त हो। मंत्र संख्या 12। अपो निशिंचन्न सुरः पितानः स्वसंतु गर्गरा अपाम वरुणाव नीचिरपस्रज वदन्तु प्रश्नि बाहव मंडूका इरिणानु। सूर्य अंतरिक्ष में बादलों को उमड़ाकर वर्षा जल प्रवाहों को उत्पन्न करे। वर्षा से प्राणों को प्राप्त करके मेंढक शुष्क प्रदेशों में बैठे हुए शब्द करें, अर्थात पर्याप्त वृष्टि होकर सब प्राणियों को जीवन शक्ति उपलब्ध होवे। मंत्र संख्या 13। संवत्सरम शशियाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जीवन विताम प्र मंडूका अवादिशुः। वर्षा होने पर मेंढकों की आवाज ऐसी प्रतीत होती है जैसे वार्षिक मौन व्रत की समाप्ति पर ज्ञानी ब्राह्मणों की वाणी ही उच्चारित हुई हो। मंत्र संख्या 14। उपप्रवद मंडूकी वर्षमावद तादुरी मध्य हृदयस्य प्लवस्व विग्रह चतुरः पदः। वर्षा होने पर मेंढक हर्षपूर्वक ध्वनि करते हुए वृष्टि को ही मानो पुकारते हैं। वे वर्षा जलपूर्ण तालाबों में आनंदपूर्वक तैरते हैं। मंत्र संख्या 15। खंड व खा ई खय खा ई मध्य तदुरी वर्षम वनुद्वम पितरो मरुतामन इच्छत। राष्ट्र के रक्षक पुरुष वर्षा लाने वाले वायु का ज्ञान प्राप्त करके राष्ट्र में सम्यक वर्षा करने वाले हों। मंत्र संख्या 16। महांतम कोशमुद चाबि सिंच सविद्युतम भवतु वातु वातः तन्वताम यज्ञम बहुधा विसृष्ट आनंदिनी रौषधयो भवन्तु। परमेश्वर के अनुग्रह से सारा वातावरण वर्षा के लिए अनुकूल हो, सब घरों में यज्ञों का विस्तार हो, उत्पन्न हुई विधि औषधियाँ प्राणियों के लिए आनंद देने वाली हों। अथर्ववेद के चौथे कांड का 15वां सूक्त समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।